हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी गाइडर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है और आपने मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के रिव्यू की। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, वो है गुड वाइब्स के रोज़हिप सीरम का। फ्रेंड्स, ये इसका कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इस टाइप के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है। इसमें इसके बारे में सब कुछ अच्छे से लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है, इसका MRP कितना है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसका रिव्यू इसके रिव्यू से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि सीरम होते क्या हैं, वो क्या काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो सीरम होते हैं वो लिक्विडी कंसिस्टेंसी के होते हैं और उनके मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे 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 से होते हैं, जिस कारण वो हमारे स्किन के डीप लेयर तक जाते हैं और हमारे स्किन को बेनिफिट देते हैं। फ्रेंड्स, जो सीरम जिस टाइप का है वो उसी अपनी गुणवत्ता के हिसाब से उसी टाइप से वर्क करता है। फ्रेंड्स, जो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हैं हम अपने स्किन में, वो क्या करती है, वो हमारी स्किन के उपली ऊपर की जो लेयर रहती है वहीं तक सीमित रह जाती है, वो अंदर नहीं जाती। लेकिन सिर्फ हमारी जो सीरम होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर डीप लेयर तक जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस टाइप की इसकी बॉटल आती है, ये ग्लास की बॉटल है, डार्क कलर है, बहुत अच्छी बात है इसमें। अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ मुझे ये इस टाइप का एक ये मिला था, जिसको हम ओपन करते हैं इस टाइप से। इसे लगाना बहुत इजी रहता है फ्रेंड्स, ये भी ग्लास का है, तो इसमें ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसकी बॉटल भी ग्लास की है और अंदर का ये जो ड्रॉपर है ये भी ग्लास का है, ये बहुत ही अच्छी है। और दूसरी बात, इसकी जो बॉटल है उसका कलर काफ़ी डार्क है, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसके हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है, जो प्रिंट प्राइस है बॉक्स पर, वो है 225। बट फ्रेंड्स, मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिल गया था, मैंने ऑफ़र में इसको मंगाया था तो मुझे काफ़ी कम का मिला ये। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो है 3 ईयर की। अब फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं कि इसके अंदर किस किस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर यूज़ किया गया है हमारा सीसम ऑयल, आमंड ऑयल, विटामिन ई का यूज़ किया गया है, जोजोबा ऑयल का यूज़ किया गया है, रोज़हिप ऑयल का यूज़ किया गया है, ये हैं सारे इसके इंग्रेडिएंट। चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि इसके जो जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए वो वर्क क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके अंदर डाला गया है रोज़हिप ऑयल। तो रोज़हिप होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है विटामिन सी, और वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो हमारी स्किन के जो कोलाजन है उसको वो बूस्ट करता है, हमारी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग को वो रोकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल क्या करता है, हमारी स्किन की पफिनेस को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट प्रदान करता है। इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर है विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है फ्रेंड्स, जो हमारे स्किन पे फ्री रेडिकल्स हैं उनको वो रिमूव करता है। सीसम ऑयल, सीसम ऑयल क्या करता है, हमारी स्किन जो यूवी रेस या फिर पॉल्यूशन से डैमेज हो जाती है उससे वो प्रोटेक्ट करता है, उसको वो ठीक करता है। जोजोबा ऑयल क्या करता है, हमारे स्किन का जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसके जो भी इंग्रेडिएंट थे वो मैंने सब आपको बता दिए हैं और वो क्या वर्क करते हैं फ्रेंड्स, ये भी मैंने बता दिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू की, कि जैसे कि ये जो हमारा सीरम है वो एक्चुअल में वो सारे वर्क करता है या नहीं करता। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो ये सिर्फ इतना सा बचा है, मुझे इसको यूज़ करते करते फ्रेंड्स 1.5 मंथ हो चुका है। 1.5 मंथ में मैंने इसको यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, देखिए, स्किन मॉइस्चराइज करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि ये बता रहा है कि फाइन लाइंस को कम करता है, तो फ्रेंड्स ऐसे मुझे कोई रिजल्ट इसका नहीं मिला कि मेरी फाइन लाइंस को रिड्यूस किया हो या उसको कम किया हो या फिर ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है
कि ये बोलता है कि हमारी स्किन को क्लियर बनाएगा, हमारे जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसको ये क्लियर करेगा, हमारी स्किन को ब्राइटन बनाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा कुछ भी रिजल्ट अभी फ़िलहाल नहीं मिला है, मुझे 1.5 मंथ हो गया इसको यूज़ करते हुए, मुझे ऐसा कि स्किन ग्लो कर रही है स्किन में, मतलब इस टाइप का मुझे कुछ भी रिजल्ट इससे नहीं मिला है। अच्छा फ्रेंड्स इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अगर ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए फ्रेंड ये इस टाइप का ये देखिए इस टाइप का है ये फ्रेंड्स, ये देखिए लिक्विड ही कंसिस्टेंसी का है। अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको, लाइक ये हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन थोड़ा देखिए ये हो गया हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब अच्छे से, लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए हमारी स्किन को स्मूथ सा बना देगा, एक हल्की सी शाइन लेके आ जाता है स्किन के अंदर, ये देखिए आपको डिफरेंस दिखेगा, इसमें हल्की हल्की सी एक शाइन दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी, इस जो एकदम स्मूथ सी लगती है स्किन, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं लगा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी स्किन को ग्लोइंग बना रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे जो मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसको ये फेयर कर रहा है। फ्रेंड्स ऐसा मुझे इससे अभी कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है, मे भी हो सकता है कि मैं इसको ज़्यादा दिन और यूज़ करके देखूँ तो फिर मुझे उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको कंटिन्यू और यूज़ करने वाली हूँ, बस मुझे इसका एक पार्ट बहुत अच्छा लगा कि मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज रखता है, वो मुझे ठीक लगा। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स मुझे अभी फ़िलहाल इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है ना ही। तो फ्रेंड्स आगे मैं अभी सीरम को यूज़ करने वाली हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मैं इसके बारे में इतना सुना था फ्रेंड्स कि ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिज़ल्ट देता है, इतना फ़िलहाल मुझे भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। हो सकता है कि मैं इसको 3 मंथ या टू टू थ्री मंथ इसको और यूज़ करूँ, मे बी तब रिज़ल्ट मिले, बट अभी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। अभी विंटर्स चल रहे हैं, मेरी स्किन ड्राई नहीं होने देता, इस कारण से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अगर ग्लो आ जाता है तो और भी अच्छी बात है। अच्छा फ्रेंड्स ऐसे किस किस ने इस सीरम का यूज़ किया है और आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, सिर्फ मॉइस्चराइज़ करता है मेरी स्किन को। तो फ्रेंड्स अभी क्योंकि मेरे को बाय वन गेट वन मिला था, तो मैंने दो ही मंगाए थे, एक के साथ एक फ्री था, तो अभी मेरे पास एक और इसकी न्यू बॉटल, एक और बिल्कुल न्यू बॉटल पड़ी है, तो अभी मैं फ़िलहाल उसको यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद आपके साथ एक और बार इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि क्या एक्चुअल में इसने वो रिज़ल्ट मुझे दिया है या नहीं दिया है। अच्छा फ्रेंड्स ये सब बताते बताते मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी हम आधी वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छे से उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें सीरम का यूज़ कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से हमें सीरम कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स ये सीरम मैंने लिया, सबसे पहले मैं इसको इस टाइप से यहाँ लगाया, ये लगाया और ये लगाया, ठीक है फ्रेंड्स इतना इनफ है। फ्रेंड्स मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बट मुझे 2-3 ड्रॉप में कुछ नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ये देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से हमें अपनी स्किन पे, पूरी स्किन पे मसाज करनी है। देखिए अभी मैंने कुछ भी मेकअप यूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर का यूज़ किया है, इसके अलावा मैं फेस वॉश करके बैठी थी आपके पास, ताकि मैं आपको बता सकूं कि सीरम को हमें प्रॉपर कैसे लगाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसको लगाना है, ये देखिए। अच्छा फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि ये सूटेबल, ये देखिए फ्रेंड्स आपको हल्का हल्का सा स्किन पे ग्लो दिख रहा होगा, ये देखिए अभी कुछ भी नहीं था मेरी स्किन पे, ये देखिए हल्का हल्का सा आपको ग्लो, बिल्कुल अच्छे से इसको हमें 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से मसाज करनी है अपनी स्किन पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अच्छे से हमें इसे मसाज करनी है, उसके बाद 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद जो जिस भी मॉइस्चराइज़र का आप यूज़ करते हैं वो लगाइए। फ्रेंड्स इसके अंदर लिखा है कि ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, बट नहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसके अंदर आमंड ऑयल है, सीसम ऑयल है, रोजिप ऑयल है, सभी टाइप्स के ऑयल ही हैं, तो ये मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। लेकिन हाँ अगर आपकी ड्राई स्किन है, अभी विंटर्स में मैं ये कह सकती हूँ कि कॉम्बिनेशन स्किन वालों या फिर नॉर्मल स्किन वालों को भी सूट करेगा, बट ऑयली स्किन वालों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो
तो ऑयली स्किन वालों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।